हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं थोड़ी बात करूँगा अबाउट पेस्ट एंड उसको कैसे कंट्रोल करें। तो मेरा ये एक अनार का प्लांट है एंड इसमें दो डोंकी ईयर्स भी लगे हुए हैं। तो इसमें पूरा एफिड्स का अटैक हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने इसको बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी और तब वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। बट अगेन अभी 15-20 दिन हो चुके हैं मुझे इसकी प्रूनिंग करते हुए। अब जैसे ही इसकी न्यू डेवलपमेंट, ये सारी रेड वाली जो लीव्स हैं, ये न्यू शूट्स हैं, तो जैसे ही ये न्यू शूट्स आई हैं तो एफर्ट्स क्या हैं कि वो न्यू शूट्स पे ही अटैक करते हैं, मतलब न्यू लीव्स पे। एंड ये देखो, ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये पूरा प्लांट उससे मतलब जस्ट भरा पड़ा है ब्लैक और ग्रीन कलर के एफर्ट्स से। तो ये अब क्या करेंगे, इसको पूरा सक सक कर करके और पूरा ये प्लांट जो है डेड हो जाएगा। तो फिर मैंने इसके लिए ये एक अमेज़ॉन से ये ऑर्गेनिक ड्यूज का नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट मंगाया था। ये 200 का है एंड 325 इस पर प्रिंट है, 200 ml है ये 200 का। तो इस पर लिखा हुआ है कि आप इसको 5 ml ये लें नीम ऑयल, एंड देन मैंने 4 ड्रॉप्स ऑफ मतलब डेटॉल हैंड वॉश लिया है और वो इसमें मिक्स करके और इसको शेक कर दिया अच्छे से। तो जब ये अभी जनवरी 16 जनवरी है आज, तो ये क्या है कि मतलब बहुत जमा हुआ है अंदर से अभी। तो मैंने इसको, तो आपने क्या करना है, इसको आप माइक्रोवेव में ढक्कन इसका हटाकर तो 40 सेकेंड्स माइक्रोवेव करोगे तो ये पूरा पिघल गया है, वरना ये यूज़ ही नहीं हो पाएगा, तो ये इतना जमा हुआ था। तो अब ये मैंने पूरा इसमें मिक्स कर दिया और अभी इसके ऊपर स्प्रे करूँगा मैं। देन होप, आई होप कि मतलब ये जो एफर्ट्स ये इतने लगे हुए हैं ब्लैक 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 ये सब चले जाएँ। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये देखो इसके ऊपर पूरे एफर्ट बग्स हो रखे हैं। ये बैठा हुआ है एक, तो ये ऐसे इस तरह से ये पूरा प्लांट इनके ऊपर जस्ट। तो अभी ये इसको अच्छे से आपने शेक करना है एंड देन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप कोशिश ये करें कि प्लांट को टिल्ट करके इसको स्प्रे करें ताकि ये जो इसमें जो सोप है वो प्लांट के अंदर ना जाए जितना हो सके पॉसिबल हो। अभी आप पूरे प्लांट पर ऐसे स्प्रे कर देंगे एंड देन सेम आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है विद इन 15 डेज, जैसे इसके ऊपर रिटर्न है अगर अटैक कम नहीं होता है एफर्ट्स का, तो 15 दिन के बाद आप इसको फिर से रिपीट करें और तब तक रिपीट करना है जब तक ये पूरा प्लांट जो है एफर्ट्स इस पर से हट नहीं जाते हैं। तो मेरी ये केयर एक टिप यही होगी कि अगर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स हैं तो पहले तो आप जो हिस्सा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है आप उसको सीधा कट ही कर दीजिए, जैसे मैंने ये पूरा कट कर दिया था। डोंट वरी, आपका प्लांट डाई नहीं होगा। अब ये देखो, ये पूरी रेड वाली सारी न्यू लीव्स आ चुकी हैं 20 दिन के अंदर ही, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।